कटनी रोड स्थित राम प्रताप बागरी के निवास पर चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिवस कथा व्यास पंडित रमेश प्रसाद शास्त्री ने वामन अवतार, मत्स्य अवतार और अम्बरीश के एकादशी व्रत का महत्व, भरत चरित्र, राजा जनक एवं भगवान श्री कृष्ण जन्म की कथा का वर्णन करते हुए बताया कि जब जब धरती पर गाय, ब्राह्मण, सती, संतों की रक्षा करते हुए धर्म की स्थापना हेतु जन्म लेते हैं भगवान। जन्म होते ही पांडाल में उमंग का माहौल हो गया और खुशी में पटाखे एवं नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल के जयकारों से पूरा पांडाल गूंज उठा, जहां पर महिलाओं ने बधाई गीत के साथ ही श्रोता झूम उठे। अंततः प्रसाद वितरण किया गया। कथा श्रवण करने वाले भक्तों की पांडाल में काफी भीड़ रही। 2000 दास दासी, 4000 घोड़े रथ, इतना दहेज दान दे दिया। महाराज द्वितीया की विदाई होने लगी, साढ़े तीन प्रकार के बाजा बजने लगे। के बाजा बाजा सब कहे और बाजा साढ़े तीन और पकड़ा पकड़ा झुनझुना आधा ताल वॉइस ऑफ राइट्स के लिए पवई से रविशंकर सोनी की रिपोर्ट।